मेरे से बड़ी, दो मेरे से छोटी, मैं सेंटर में, और उसके बाद मैं सेंटर में आऊंगी। नहीं नहीं, दो मेरे से बड़ी है, दो मेरे छोटी है, तो मैं ही सेंटर में हमेशा रहूंगी। छोटी ईद पे सच औरतें काम करती हैं, बड़ी ईद पे बंदे कसाई बने होते हैं ना। जब भी आज हम साल में एक दफा तो बंदे काम करते हैं। हाँ, ये देखें, ये अबरान के साथ शूट करेगी अपना। ये अच्छा लग रहा है। ईदी, ये ईदी नहीं, ईदी नहीं, क्या है मतलब बकरा ईद में? वैसे नौ ईदी हम पे किसने हरा रंग डाला है? कचरे वाले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हंस क्यों रही हो तुम मेरे ऊपर? कितना डार्क कलर लगा हमें तो, मुझे तो फिर भी स्लो लगा, आपको तो पता। अभी देखना, मैं रगड़ रगड़ के मुंह धोऊंगी, यहाँ गर्दन पे भी फूल बना हुआ है, कभी मैंने देखा है यार। एक तो बंदा मेहंदी लगा के ना उतार के सोए, मैं जितना लेट सोई थी ना उस हिसाब से यही हो रहा था। ये देखें इतना डार्क कलर है। मेरे ससुराल में मुझे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा। हाँ। ये देखो ना मेरे माथे पे कलंक कलंक लग गया है, टीका। तुम क्या लेके जा रही हो? वो गोश्त देने वाला है तो थोड़ी देर में देना, तो फ्रिज में रख देंगे। और ये देखें जी, पापा का झूलिया देख। मैं पूरा कस, ओ, ये क्या? ये किया आपने? पापा आज पूरे, आपने तो मेरे निशान ही नहीं देखा। देख लिया मैंने, मेहंदी लगी हर ईद में होता है। देखें जी, हमारा बकरा जो है वो इतना प्यारा हो चांपा, तो इधर चांपा भी पकानी होती है ना। हाँ, बहुत मजे की लगती है। ठीक है, ये शॉपर भी पैक हो रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने, मोटे शॉपर है ना काफी। ओ ये कितने किलो का? दो किलो का। अच्छा, ये सारे बांटने वाला पूरा है साइड पे। ईद पे आदमी ऐसे ही होते हैं। वैसे मेरे पापा कितने प्यारे लगते हैं, यहाँ देखे। ये तो आप उंगली लग रहे, अब अंगूठा लग रहे राबिया। राबिया ये देखो मेरे भी, तुम्हारा तो नहीं है इतना ज्यादा। मैंने टूथपेस्ट लगाई है, सूत जाएगा हैं मुंह पे पेस्ट। ओके, हमारी कुर्बानी की बकरों की खास बात ये थी कि ना इसमें से चर्बी निकली और ना इसमें से स्मेल आ रही है। देखो हो रहा है कुछ, ये पता नहीं क्या है। अल्लाह, ये उसकी सांस की नाली लग रही। ज़ैनब तैयार बैठी है और क्या खाई जा रही है भाई? ऑलमोस्ट डन हो। मैंने भी अपना प्यारा मेकअप कर लिया है, कैसा लग रहा है मेरा? देखो मेरी मेहंदी रिमूव हो गई है सर से, अब मेरी बारी है ये खाने की। आई रियली रियली लव बकरो। इस पर सबसे अच्छी चीज लगती है सुबह नाश्ते में हमें खाने को मिलती है कलेजी, वो भी मसाले वाली, लीमू निचोड़, मसालेदार टमाटम। हमारे घर में अंधेरा इसलिए हुआ हुआ क्योंकि हमारे डैडी सो रहे हैं। सबसे पहले जो ज़ैनब तैयार हुई थी और सेकंड पे तैयार हुई है जी राबिया। और राबिया का ड्रेस ये है, डिटेल में आपको दिखा दूं जरा। इसकी चूड़ियां तो देखें, इसकी मेहंदी देखें, इसकी मेकअप मैंने खुद किया है। इस औरत ने इतनी मुशक्कत से मुझसे इयररिंग्स मंगवाया और पहने, देखें इसने ये वाले, क्योंकि यार अच्छे भी लग रहे थे, बंदा क्या कर सकता है। ये कल चूड़ियां जहां अंदर आज खप खपा के लेके आई थी, फुल अच्छी लग रही, मैच हो रही है, लुकिंग प्रिटी। घूम के दिखाओ। चलें जी, ईद मुबारक राबिया की तरफ से और मैं जा रही हूँ। ऐसे ईद मुबारक ही करने लगे। हाँ, ईद मुबारक, खैर मुबारक। पिक्चर बनवाई हो भी याद आया, चूड़ियाँ तो पहनी और कपड़े गंदे भी कर लिए फौरन दस्ती। हाँ, वो देखो लिपस्टिक लगी है। ओहो, चूड़ियाँ पहनी नहीं, फोटो शूट भी हो गया। मैं पहन रही थी इसे तो एकदम से किस कर ली मैंने अपने करते थे। कान दिखाओ अपने, नाइस। ये देखें जी, फातिमा भी तैयार हो चुकी है। ओ माई गॉड, ये तो पूरी पंजाबी मुटिया। ये देखें, ये अबरान के साथ शूट करेगी अपना। ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। मेरा तो चिड़िया नहीं दिखाई। कौन सी चिड़िया? ओ हैवी जी, ये है मेरी मम्मा की फुल लुक। मजा करो, मजा फन फन, मम्मा घूमे जरा। वाह जी, अब हम फैमिली फोटो शूट के लिए निकल रहे हैं। आगे राबिया है, ये है, ये हिरा है, ज़ैनब है, ये मम्मा है और ये मैं हूँ। अब हम लोग बनवाने लगे हैं एस्ट्रोलॉजी फैमिली फोटो। पापा सुबह से बेचारे कसाई बने हुए थे और उसके बाद जो है वो घर के काम में, और अभी ऐसे सोए हुए हैं कि आप ना ही पूछें कि वो किधर है इस वक्त। अब जैसे ही तैयार होंगे देन आई विल शो यू। ये देखें हीरा की फुल लुक है और बेचारी के साथ पीने ले ली थी मेरी पोटलिंग। चलो लाइट, ये देखेंगे सारी औरतें इस वक्त। दो मेरे से
मेरे से छोटी, मैं सेंटर में, और उसके बाद मैं सेंटर में आऊंगी। नहीं नहीं, दो मेरे से बड़ी है, दो मेरे छोटी है, तो मैं ही सेंटर में हमेशा रहूंगी। अच्छा, तुम इधर आबे, उधर जाओ, मैं इधर आऊं। तुमने आके डांस करना है। हाँ, हमें तुमने एक्स्ट्रास का कैरेक्टर दिया है, हमें इतनी चला के कह रही है मैं आगे खड़ी होंगी, तुम लोगों ने पीछे आके बस एक्स्ट्रास की तरह डांस करना। इतना बड़ा सूट नहीं पहना जितने बड़े झुमके पहने हुए। और फातिमा, जो तुम्हारे लिए मैं झुमके खरीद के लाई थी, वो कितनी बुरी हो तुम। और ये मछली है जो डांस करते करते लोगों को मारती है, बहुत है। पता कितने केजी की है? केजी की है? हाँ। कितने की? पांच से मेरे टेबल पे ना टच कर रही हूं। पांच केजी की है। और बाजू तुम्हारी टूटने वाली है बस। यार तुम्हारी टसल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, जमीला हसीना पर्पल। मम्मा तो मम्मा है भाई, मेरी अम्मा की तो वैसे क्या बात है, सारी वीडियोस बन रही है अपने अब्बा के बगैर, क्योंकि छोटी ईद पे सच औरतें काम करती हैं, बड़ी ईद पे बंदे कसाई बने होते हैं ना जब भी। चलो आज हम साल में एक दफा तो बंदे काम करते हैं। इससे मैं पैदल जा रही हूँ। जा रही हैं पैदल? हाँ। ये लड़की का शूट ही नहीं, ये गाड़ी में गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत ज्यादा। टोटली ने आज इतना मुझे तंग किया, इतना तंग किया कि हीरा बेचारी ढूंढ ढूंढ थक गई, इसे इकरा ऊपर लेके गई है, हम पागल हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने अभी यहाँ रखी थी, पता चला इकरा ले गई। मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ हैं, मेरे हाथों में कोई नहीं चूड़ियाँ हैं। ये देखें जी, ये हालत होती है, फोटोशूट हो गया, पिक्चर शिक्चर बन गई, हूँ असी इंज बैठा गे घर दे विच, फोन यूज करा गे, पिक्चर्स डालनी है लोगों को भी तो दिखाओ। नेल्स तो दिखाओ तुम अपने मिन्ने मिन्ने रतुबे। देखें जरा, ये सारी इधर पागल हुई हुई है, सब इधर बल्कीस बल्कीस बनी हुई है। ओ माई गॉड, फातिमा आप सही लुक आई है, ये भी आ गई है। पानी दुनिया में जिहट है, तुम्हारा भी तो जी नच पजा बन, नच पजा बन, नच पजा बन, नच ये किसने तेरा रंग डाला। यहाँ पे देखें सबके जो है वो डांस कर करके कर करके ना पसीने छूट चुके हैं, एक तो वो तो अंदर निकल गई है। ये दो कजन्स हैं। हाँ, मैं और ये हमारी, ये तो डर गई कि ये कौन निकली है, कह रही है फूलों से कौन निकली है ग्रीन कलर की। मैं यहाँ अकेली बैठी हुई हूँ कब से, और मैं आवाजें दे रही हूँ अपनी छोटी बहनों को, मेरी आके वीडियो बना दो, मेरा इतना दिल करा बनाने का, नहीं कोई सुन रहा, छह आवाजें दे चुकी हूँ जैनब को। मुझे एक एस्थेटिक वाइब आ रही है, ये देखें ऐसे। हम पे ये किसने हरा रंग डाला है? कचरे वाले, तुम कचरे वाला क्या है? अब मेरी वीडियो बनाओ, तुम्हारी भी बनाओ, नहीं बदले में बनाऊंगी, ये चुम्मा चाटी नहीं करूंगी। कितनी बदतमीज है बहन हूँ तुम्हारी, आखिर आप ही हूँ, तुम्हें बचपन में प्यार किया है मैंने, सिर्फ बचपन में प्यार प्यार कहकर लुटे आई मैरमा। कितना वो लूट लिया तुम्हें, मुझे आज तक तुमने मुझे 5 रुपए की भी चीज खिलाई है। पापा ने, पापा उसी टाइम आते हैं जब उन्होंने हमें घर से निकालना होता है। पापा के साथ तो एक शॉट ले लो, मैंने एक नहीं लिया, मैंने लगाना है ईद की वीडियो। हाँ, दुपट्टा मेरा पाओ से क्यों? थैंक यू। 2-3 ऐसे करके। हाँ, आपने अपने साइन को डबल करके अंगूठे लाने ऐसे करना, ये करना। ये हजार रुपए किसे लिखा हुआ? ये मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे ऐसे निकल रहे होते ना, तो मैंने हर एक बूटे में 5-5 हजार बोया होता। ईदी, ये ईदी नहीं, ईदी नहीं, क्या है मतलब बकरा ईद में? वैसे 9 ईदी क्यों? ये नहीं, मैंने तो नहीं, बकरा ईद में रानने मिलती है। एक ये ब्लॉग के नहीं, इसको लग रहा है कि ब्लॉग के चक्कर में आपको ईदी मिल जाएगी। तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। नो, वो तुम्हें नहीं देंगे, तुम उनकी इकलौती बेटी नहीं हो, इकलौती बेटी नहीं हो। क्या कह रहे हैं? बोटी विद रोटी, बस ठीक है। अब की अब पूछे आप लोग हमें क्या ईदी मिली, तो बोटी विद रोटी आप लोगों को भी यही नसीब हुई होनी है। वेरी नाइस, तुम्हें क्या हुआ है? इट्स अ क्विक चेंज, इट्स अ क्विक चेंज व्हाई? क्योंकि मैं जिनके घर जा रही हूँ उनके घर में रोज जाती हूँ। हाँ, तो रोज साथ ही रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में। तो मुझे उनका इंटरेस्ट नहीं है, तैयार होकर जाने का, से ना चेंज कर लिए कपड़े। वेरी बैड, क्या मैचिंग क्या किया आपने साथ? वाह, मम्मा भी कहीं जाने लगी हैं, वाह वाह। रबिया, मेरा दुपट्टा छोड़ो। मम्मा ने कहा बड़ा अच्छा लगा, कह दे कह दे। मेरे इतने आउटफिट के साथ का ना, चलें जी। ये लड़की ऑलरेडी गाड़ी में कर रही है हमारा इंतजार, और इस लड़की ने जो है वो हुलिया इसने बदल लिया है, इयररिंग्स इसने निकाल लिए हैं, सर पे इसने कैचर जो पहना है वो इसने उतार के चेंज वेंज। क्या हुआ? सीट में पानी गिराया हुआ है। किसने? पता नहीं।
चलें बैठ जाएं। पापा अपना वॉलेट ढूंढ रहे हैं गाड़ी में, यहाँ पे नहीं, आपने दी नहीं ना दी, गुम हो गया, मुझे क्या पता। तो ये हमारे पास जो है ना, ये बकरे वाला केक है, ओस्टडी भी है, ये फातिमा लेके जा रही है। अब हम लोग ने जाना था वहाँ, हम लोग गए हैं पहुँच। और चलो जी, मेरी इस बच्चे मेरे मोबाइल पे सर मारी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इनके अभी काउ की कुर्बानी नहीं हुई, तो इनके घर पे भी काउ वैसे की वैसे बैठी है, काउ कल ज़िबा होगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। चलो जी, सब यहाँ पे मेम शेम बन के एंड टैम पैम बन के बैठ गए हैं। औरतें आई हैं, आते सा इन्होंने बातें सुनी हैं कि तुम लोग यहाँ पे लम लूट होने आती हो, है थकी हुई पार्टी, इनका नाम है थकी हुई पार्टी। हाँ पहले अब बोलो। हाँ जी, मैंने कुर्बानी। आपका नाम क्या है? मोजमा। किसी फैन की कॉल आई कि भाई अम्मा का नंबर भी कहीं आजू बाजू भटका है, बट कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों की कॉल जाती है। सो मोजमा की मुझे कॉल आई थी, एंड थैंक यू सो मच मोजमा। आज का हमारा खाना जी ये बने हैं, क्या क्या बनाए ये? मटन कलेजी, प्याज, ऑलिव, डम 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 डम। क्या मसला है, क्या मसला है जब भी माते हैं चीखता है, और अभी चीखा है इस वक्त हिराफ। बकरे को उसे पता चल गया कैमरा ऑन, मोबाइल एकदम से काटेगा, ऊपर चल रहे होंगे आना नहीं आना। चले आप तो निकले ना, आप ही देखते हैं पीछे करना जरा कैमरा। ओके कैमरा मेरे मुंह पर देखना, अभी देखना चीखेगा, चिल्लाक तोता है इस वक्त बैठा हुआ है। क्या है मसला तुझे बंटू? ये देखे जी, ये हमारा ईद मुबारक का केक था, और अब ये बाद में ही कटेगा, अब्बा और बेटी लगे हुए इसको पैक करने। मैंने जूता इस वक्त हाथ में पकड़ा हुआ अपने, ये देखे, और आप अपनी बहनों के जूतों पे गुजारे करो। अब मुझे नहीं पता चप्पल मैंने किसका पहना है, घर जाके पता चलेगा, जिसके पाँव नंगे होंगे उसको फिर ये हील्स दे दूंगी। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय शाइनाए, बाय कुर्बानी, ईद मुबारक, तुम्हें बहुत मुबारक हो, कल तुम हलाल हो जाओगी। अब हम हलाल होने जा रहे हैं, मतलब सोने जा रहे हैं, इतनी देर से जो सोए नहीं वो। हसीन हस्ती जिसका जूता मैंने पहन लिया था, और वो बेचारे कहा था ना जब वो नंगे पाँव आएगी तो ये जूते उसको दे दूँ, ये पहन लो। बट मेरे ये नहीं थे, मैं तो ये पहन के ही नहीं आई। ये पहने हुए थे ना, ये लो पकड़ो पकड़ो, भी नहीं थे, पर दूसरे थे। वो सैनम ने पहन लिया, ये अब तुम पहनो। वो भी जो सैनम ने पहने थे वो भी नहीं है। चले अब ये जूते मैं रखूंगी गोद में। ओए जाओ, देखें जूते के जो सैंडल हैं वो इस वक्त, सैंडल कह रही हूँ, बकल खुले में, और हम इस वक्त घर पहुँच चुके हैं। ये लड़की भी गई कैसे थे, तुम आई कैसे हो? ये देखें जरा, ये तो सही सी होके गई थी, मम्मा तो प्यारी गई थी और प्यारी वापस आई, लेकिन नींद है वहाँ पूरी करके आई है प्रॉपर। चलें जी, डैडी भी आ गए हैं, लेकिन पापा हमेशा जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आते हैं, तरो ताज़ा चाको चुबंद, बाकी सारे खिसके हुए आते हैं, जाते ऐसे हैं आते कैसे हैं देखें जरा, ये परफेक्ट है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ईद का दिन बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने घरों में भी गोश्त वोश्त खा के थक गए होंगे, लेकिन गरीबों की खुशियों का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, जितना हो सके लोगों को गोश्त अच्छे से बांटना है, फ्रिज कम भरनी है, और लोगों को आप लोगों ने ज़्यादा डोनेट करना है। और ईद की खुशियों में गरीबों को ज़रूर शामिल कीजिए, ईद 3 दिन की होती है, तो तीनों दिन बल्कि पूरा साल ही आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों को पैगाम है, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, हमारी भी, और बस अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।